तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप आसानी से यहाँ से देख पा रहे हो त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय का फुल क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर भी समझ में आ सकें और इसी के साथ में दोस्तों इसके क्वेश्चन और इनके आंसर्स भी आपको समझ में आ सकें। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कि किस प्रकार से दोस्तों आप अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बना सकते हो अर्थशास्त्र विषय के लिए। दोस्तों जो अर्थशास्त्र का पेपर होता है वो कला और वाणिज्य संकाय के लिए एक ही होता है, यानी कि अलग अलग पेपर इनके नहीं लिए जाते हैं, अब सिर्फ एक ही पेपर होता है जो कि दोनों के लिए एक जैसा ही है। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार का दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आने वाला है और कैसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षाओं में से इसमें से पूछे जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पूरे क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। पर आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इसी के साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन को बनाते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, आप यहाँ से देख पा रहे हो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इसको हल करने के लिए आपको 80 अंक मिलेंगे और पूरा दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ये 3 घंटे का होगा, यानी कि 3 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपको हल कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों आप अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बना सकते हो। यहाँ पर आपसे दोस्तों ये निर्देश पूछे गए हैं, पूरे के पूरे निर्देश आपको इस जगह पर दिए गए हैं। चलिए हम निर्देशों को भी अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कि क्या क्या दोस्तों आप इसमें से कर सकते हो और किस प्रकार से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस जगह से देख पा रहे हो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और सही विकल्प दोस्तों आपसे कितने पूछे जाएंगे, ये आपसे पूछे जाएंगे 1×6 अंक में, यानी कि 6 नंबर के कुल सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। पहला सही विकल्प आप यहाँ से देख पा रहे हो क्या लिखा है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एकवचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दोनों में। किस में किया जाता है, दोनों में किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, आपकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का क्रय कहलाता है। तो देखिएगा दोस्तों, वस्तुओं का क्रय करना क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है, निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं प्रतिशत में, रुपए में, किलोग्राम में, इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशांक दोस्तों हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किए जाते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, कालानुक्रमानिक वर्गीकृत किए जाते हैं। तो देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा समय, क्या आ जाएगा, समय आपको यहाँ से लिख लेना है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका आ जाएगा समांतर माध्य, कौन सी, समांतर माध्य। इसके अलावा अगला लिखा है, दंड आरेख है, दंड आरेख 1 वीमी होते हैं, तो आपको ये लिख लेना है। और उसके अलावा आगे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपसे पूछी जाएगी। दोस्तों देखिएगा किस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति देख सकते हो, या आपसे 1×6 अंक में कर सकते हो। संसाधनों की सीमितता की तुलना में आवश्यकताएँ होती है, देखिएगा संसाधनों की सीमितता की तुलना में आवश्यकताएँ कैसी होती है, असीमित होती है, कैसी, असीमित आपको लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, पूर्व में उपयोग किए जा चुके समंक कहलाते हैं। देखिएगा पूर्व में उपयोग किए जा चुके समंक द्वितीयक समंक कहलाते हैं, कैसे, द्वितीयक समंक कहलाते हैं, तो आपको यहाँ से ये लिख लेना है द्वितीयक समंक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, माध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को क्रम में व्यवस्थित करना होता है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है तो इसमें आपको लिख लेना है बढ़ते अथवा घटते क्रम में, क्या लिख लोगे आप इस जगह पे तीसरे क्वेश्चन में, बढ़ते अथवा घटते क्रम में, अथवा घटते क्रम में, बढ़ते अथवा घटते क्रम में आपको यहाँ से लिख लेना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, वक्र के आकार में परिक्षेपण प्रस्तुत करने वाली आरेखी विधि को कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा है इस जगह पर आपको लिख लेना लोरेंज वक्र, क्या लिख लोगे आप इस जगह पे, लोरेंज
वक्र आप इस जगह पे लिख लोगे लोरेंज वक्र। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है वर्गांतर होता है वर्ग की उच्च सीमा एवं का अंतर एवं वर्ग की निम्न सीमा का अंतर। तो इस जगह पे आपको क्या लिख लोगे, वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर, निम्न सीमा का अंतर। तो यहाँ पे आपको ये लिख लेना निम्न सीमा का अंतर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन से संबंध गुणांक का प्रतिपादन किया किसने किया दोस्तों, तो से संबंध दिया था कार्ल पियर्सन ने, किसने, कार्ल पियर्सन। आपको इसका उत्तर लिख लेना कार्ल पियर्सन ने किया। इसके अलावा अगर दोस्तों आगे देखा जाए तो आप यहाँ से देख पा रहे हो सही जोड़ी पूछी गई है, यहाँ से आपको सही जोड़ी का मिलान भी किस प्रकार से कर लेना है वो भी देखते चलें आप लोग। देखिएगा सही जोड़ी में सर्वप्रथम आपसे इस प्रकार से सही जोड़ी पूछी जाएगी। चलिए हम इसका मिलान करके देखते हैं कि किस प्रकार से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हो। स्वयं एकत्रित की गई सूचनाएँ ये प्राथमिक आंकड़े होते हैं। सबसे अधिक आने वाला मूल्य क्या कहलाता है दोस्तों, इसको कहते हैं बहुलक। और इसके अलावा दो चरों के बीच संबंध, देखिएगा दो चरों के बीच जो संबंध होता है उसको कहते हैं हम से संबंध, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा संचयी आवृत्ति, क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है आपको, इसकी जोड़ी किससे मिला लेनी है, तो संचयी आवृत्ति की जोड़ी आपकी मिल जाएगी। देखिएगा संचयी आवृत्ति की जोड़ी आपकी मिल जाएगी इससे, चुनी गई इकाइयाँ आपको इससे मिला लेनी है। छात्रों की बुद्धिमता, देखिएगा छात्रों की बुद्धिमता का आपको किससे मिला लेनी है, इसमें आपको इसकी जोड़ी मिल जाएगी गुणात्मक आंकड़े इससे। और इसके अलावा अगला जो दे रखा है प्रतिदर्श की जोड़ी आपको मिल जाएगी किससे दोस्तों, प्रकाशित आंकड़े, इसमें देखिएगा इसमें आपको हम इसको बाद में मिलाएंगे, पहले द्वितीयक समंक मिला लेते हैं। द्वितीयक समंक की इससे मिल जाएगी प्रकाशित आंकड़ों से, और द्विविमीय चित्र की मिल जाएगी आपकी आयात चित्र से। और इसके अलावा आपका जो ये दे रखा है प्रतिदर्श, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी माध्यिका से। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा जोड़ी मिलान कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं सत्य सत्य दोस्तों आपसे एक गुणा 6 अंक में पूछे जाएंगे। चलिए जल्दी से हम इसको भी बना लेते हैं। लॉरेंज वक्र के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, तो ये पूरी तरह से सत्य आपका। अगला लिखा है सांख्यिकी विधियाँ पूर्ण रूप से सत्य होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला दे रखा है सूचक स्वयं प्रश्नवली भरते हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला दे रखा है घंटा दिन सप्ताह भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है समांतर माध्यिका चित्र में प्रदर्शन संभव है, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके अलावा अगला लिखा है वृत्त चित्र के कुल केंद्र पर कुल 360 डिग्री का कोण होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस जगह से देख लेते हैं। तो देखिएगा इस जगह से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, तो देखिएगा किस प्रकार से आप दोस्तों एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट कर सकते हो। विक्रेता का उद्देश्य होता है, विक्रेता का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, ये होता है अधिकतम लाभ कमाना विक्रेता का उद्देश्य होता है, तो ये आप लिख लें अधिकतम लाभ कमाना विक्रेता का उद्देश्य होता है, तो ये लिख लें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है वर्ग अंतराल 30 से 40 का मध्य मूल्य होगा, देखिएगा वर्ग अंतराल 30 से 40 का मध्य मूल्य 35 होगा, कैसे निकाला, 30 और 40 को जोड़ दिया और उसमें 2 से भाग कर दिया तो 35 आ गया। इसके अलावा अगला देखते हैं भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो सामान्य सी बात है दोस्तों 10 वर्षों में भारत में जनगणना होती है, ये आप सभी को भी पता होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दे रखा है द्वितीयक समंकों का कोई एक स्रोत लिखिए, तो देखिएगा द्वितीयक समंकों का कोई एक स्रोत है दोस्तों प्रकाशित आंकड़े, क्या है दोस्तों प्रकाशित आंकड़े, द्वितीयक समंकों का स्रोत है प्रकाशित आंकड़े, आप इसको समझ सकते हो प्रकाशित आंकड़े इसके स्रोत हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है सारणियन की प्रस्तुतिकरण वर्गीकरण के पहले किया जाता है बाद में, तो देखिएगा आपको क्या लिखना है सारणियन की प्रस्तुतिकरण वर्गीकरण के पहले किया जाता है या बाद में, तो देखिएगा सारणियन का प्रस्तुतिकरण जो होता है वर्गीकरण के बाद में होता है, तो ये आपको क्या लिख लेना है बाद में। इसके अलावा अगला लिखा है आंकड़ों का स्थानिक वर्गीकरण क्या कहलाता है, देखिएगा इसको आपको लिख लेना है स्थानिक आंकड़ा भंडार जो किसी ज्यामिति चीज़ों के आंकड़े व्यवस्थित करता है, क्या लिख लेना है स्थानिक आंकड़ा भंडार जो किसी ज्यामिति आंकड़ों
को व्यवस्थित करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पूरे के पूरे अभी तक के जो आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स थे वो सभी हो चुके हैं। और आगे भी दोस्तों आप आगे क्वेश्चंस देख सकते हो, इसके अलावा ये क्वेश्चंस देख सकते हो। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करेंगे जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर्स दिए गए हैं, सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ सकें। इसी के साथ में दोस्तों आप सभी को मैं वार्षिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इस वीडियो से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।